स्टार्ट पर रखकर अवैध खनन का खूनी खेल खेल रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में पहिए में फंसा शव देख रहे हैं। ये 10 साल की मासूम चीना है। तस्वीर आपकी जिले की आ रही है जो अवैध खनन का शिकार हुई है। बच्ची किसी काम से घर से निकली थी कि रास्ते में अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को कुचल दिया। खबर सुनते ही पुलिस पर पहुंची और उससे पहले ही शायद पुलिस ने यह खबर भी सुन ली। अवैध खनन का ये कारोबार सपा सरकार के मंत्री मूलचंद चौहान का है। बस फिर क्या था, पुलिस कार्रवाई की बजाय लिपा को जो बताया जा रहा है कि दलित परिवार को 1,00,000 रुपए देकर बच्ची की मौत का सौदा कर लिया गया। वही ग्रामीण ये भी कहते हैं कि 2-3 साल से यह अवैध खनन नहीं चल रहा है, मगर जब उनसे ये पूछा जाता है कि शिकायत क्यों नहीं करते तो वो कहते हैं मूलचंद के खिलाफ शिकायत करना मना है। तो शिकायत करने से डरते हैं लोग और उनका ये भी कहना है कि शिकायत का कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने एक बार की शिकायत की है यहाँ पे अवैध रूप से खनन चल रहा है, तो मना थोड़ा है यहाँ, मना थोड़ा है यहाँ, क्या क्यों नहीं होगा, सत्ता पक्ष तो है, कौन सा पक्ष है, कौन है, कोई तो होगा। यहाँ जो हो रहा है सत्ता पक्ष के दबाव से हो रहा है, जो खनन हो रहा है। पुलिस वालों को पता है क्यों नहीं पता, पुलिस वालों को सबको पता है यहाँ।